सदर विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता एवं प्रदेश महासचिव आशीष ठाकुर ने बिलासपुर में ईमेल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन के माध्यम से युवा नेता ने मांग की है कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह स्वास्थ्य उपकरणों के खरीद फरोख्त में धांधली हुई है, उसकी सीबीआई या फिर वर्तमान उच्च न्यायालय के जज से निष्पक्ष जांच करवाई जाए, ताकि इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। इस मामले ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश को भारत में शर्मसार किया है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देवभूमि की जनता ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो पैसा राहत कोष में जमा करवाया था, उसका कुछ चंद लोगों ने दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि सर्वविदित है कि पिछले दिनों एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के निदेशक अजय गुप्ता और भाजपा समर्थित एक नेता 5 लाख की घूस के लिए बातचीत कर रहे थे। उस मामले में अजय गुप्ता को पकड़ा गया था। उन्होंने कहा कि इस निदेशक का 31 मई को कार्यकाल समाप्त होने वाला है, पर सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला था कि इस भाजपा के कथित नेता ने इसे एक्सटेंशन दिलवाने की फिराक में उक्त घोटाले के चलते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपना इस्तीफा दिया था। स्वास्थ्य मंत्री का पद पिछले काफी महीनों से सरकार में खाली चल रहा है और मुख्यमंत्री खुद इस पद को संभाले हुए हैं। इस घोटाले के चलते प्रदेश अध्यक्ष की जगह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इस्तीफा होना चाहिए था। युवा नेता ने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए उक्त मामले को सीबीआई या फिर उच्च न्यायालय के वर्तमान जज को दिया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं आशीष ठाकुर, मैं हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस में बतौर प्रदेश महासचिव कार्यरत हूं। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद फरोख का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले में एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग के निदेशक हैं अजय गुप्ता जी और कथित भाजपा के एक नेता का वायरल वीडियो ऑडियो था। इस ऑडियो के आधार पर अजय गुप्ता को 5 दिन का पुलिस रिमांड माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से दिया गया था। आज हमने तो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं, उनको ईमेल के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है कि उक्त मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस मामले में की जो जांच है वह सीबीआई या फिर माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान जज से करवाई जाए, ताकि जो भी उक्त मामले में दोषी लोग हैं उनको सजा का प्रावधान हो।